यहाँ पर नहर के पास कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन चलो काम तो लगा हुआ है। जी भी बैठ चुके हैं, अंकु जी भी सिड्डू ऑलरेडी खा चुके हैं, अब हो रहे हैं फिलहाल दोबारा लंच करेंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं स्कॉर्पियो की सर्विस करवाने नेट चौक तक। आज अंकु जी भी हमारे साथ हैं। तो ये है बागी बनोला के पास, आप देख सकते हैं लेन सिर्फ सिंगल ही ओपन है। सुबह सुबह धुंध पड़ी हुई है, सुबह के 8 बज रहे हैं। काफ़ी लैंडस्लाइड्स हुए हैं बीच में। और ये आ गई परमाना यूनियन। आज जाएंगे हम न्यू ब्रिज से जो अलसो में पड़ा है। है सबसे बड़ी यूनियन, ट्रक यूनियन बरमाना। यहाँ पे भी कैमरेज लग चुके हैं। अंकु जी ने एकदम से स्पीड स्लो कर दी। और ये आ गया अलसू, नया ब्रिज ये बना था, आप देख सकते हैं गोविंद सागर। सतलुज रिवर, एक कैमरा वहां पे भी लगा है सामने। और ये चला गया चंडीगढ़ के लिए, हम जा रहे हैं मंडी। आज धुंध पड़ी हुई है सारी जगह, आप देख सकते हैं यहाँ पर नहर के पास कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन चलो काम तो लगा हुआ है। पूरे के पूरे पहाड़ नीचे आ गए। लेके हरा बाग सुंदरनगर तक का जो पैच है, जिसमें मतलब दुनिया भर का लैंडस्लाइड हुआ है, आपको भी हम वीडियो में दिखाएंगे। आप देखना कितना, थोड़ा फॉग भी पड़ी है ना, तो आपको हम बताते हैं उधर पहाड़ तक खिसक गए हैं यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो अब हम पहुँच रहे हैं भवाना टनल, आप देख सकते हैं एक लेन तो पूरी बंद पड़ी है। तगड़े वाला लैंडस्लाइड हुआ है, दंगे भी दिए लेकिन किसी काम के नहीं है। और ये आ गई हमारी भवाना टनल, बस इसको क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे चढ़ोल, और चढ़ोल से आगे फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हालात है। तो देखो आप चढ़ोल के पास कैसे हालात है, यहाँ पे भी पूरे पूरे पहाड़ है, देखो बैठ गए हैं लोगों के, खेत भी आ गए हैं नीचे। एक लेन तो पूरी बंद थी, अब खोल दी गई है। हर कहीं से नाले आ गए हैं, चाचा जी गलत आते हुए। देख सकते हैं पहाड़ियाँ, बहुत बुरा हाल है। एक तो जो ये लोग गलत साइड चले होते हैं, इनका क्या करें। तो ये है वो हरा बाग के पास का जगह, जहाँ पर बहुत सारा मलबा आ गया था। रोड के हालात भी आप देख सकते हैं। लग चुकी है बारिश, मौसम हो गया है कूल कूल, नजारे हैं सुंदरनगर में। अपने बिलासपुर में नहीं होती बारिश,
मुस्कुराइए, आप सुंदरनगर में हैं, तुम कुछ ही मुस्कुराइए। फिलहाल अब हम पहुंच गए थे एजेंसी के पास महिंद्रा की, तो करवाते हैं सर्विस, चलते हैं अंदर। तो गाड़ी हमने लगा दी है सर्विसिंग के लिए, और इसके बाद हो गया हमारा सारा काम डन। अब ये बस थोड़ा बहुत जो चेक करना है वो कर रहे हैं, बाकी क्या गाड़ी की हो रही है वॉशिंग, और फिर हम निकल जाएंगे वापस। ऑलमोस्ट अब हमारा काम डन हो चुका है। सर्विस करवा के अब हम निकल गए थे, जा रहे हैं घर वापस, करेंगे कहीं पे अच्छी जगह पे लंच। पहले हम खाएंगे सिट्टू, सिट्टू मना कर रहा है, खाएंगे सिर्फ खाते हैं, फिर उसके बाद करेंगे लंच और चलेंगे प्लास्ट। तो ये है सबसे फेमस बागी बनौला का बहादुर ढाबा, आज हम करेंगे यहाँ पे लंच। गाड़ी हमने कर दी है पार्क, और खाना यहाँ पर बहुत टेस्टी मिलता है, आप लोग भी ज़रूर जाएं एक बार। अभी हम आ गए थे बागी बनौला ढाबा पर, यहाँ पर कर रहे हैं लंच। सिड्डू हमने खा चुके हैं, सिड्डू हम ऑलरेडी खा चुके हैं, बैठ चुके हैं, अंकुश जी भी सिड्डू ऑलरेडी खा चुके हैं, अब हो रहे हैं फिलहाल दोबारा लंच करेंगे। अब हम बहादुर ढाबा में खाना खा चुके हैं और निकल पड़े हैं अपने घर की ओर। घी ज़्यादा हो चुका है, इसमें नींद आ रही है, घी ज़्यादा हो चुका है और नींद आ रही है, मज़ा आ गया। लेकिन आज लंच कर गए, ऐसा खाना नहीं मिलता कहीं पे भी जो ये लोग बनाते हैं। अभी मैं पहुंच गया हूँ घर, और इसके साथ अब हम करेंगे इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं कल एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।